मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं भी कुछ शेफ टाइप बनाऊँ, कभी कुछ ऐसा बनाऊँ, कभी कुछ वैसा बनाऊँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो मेरा फेवरेट रेसिपी। एक है ब्रेकफास्ट या शाम का नाश्ता समझ लीजिए, उसमें बना सकते हैं, और एक है मेरा ऑल टाइम फेवरेट लंच या डिनर रेसिपी। तो अपने मन की मुराद को पूरी करते हैं। बहुत दिनों से मन कर रहा था कि कुछ एक अच्छा ब्रेकफास्ट बनाऊं, तो आज मैं बना रही हूं जो कि मुझे बहुत पसंद है, और वो है ब्रेड रोल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रेड रोल का जो फिलिंग है वो प्रिपेयर कर रही हूँ। फिलिंग होता है आलू का। पहले आलू को बॉयल कर लिया था और अच्छे से उसको प्याज और मसाला दे के फ्राई कर रही हूँ। तो बोलते हैं ना, ब्रेड रोल का या कुछ सैंडविच का जान उसका अंदर का फिलिंग होता है। तो क्योंकि बाहर का तो ब्रेड, उसमें तो कोई वैसा बात नहीं है, जो जान आप डाल सकते हैं उसके फिलिंग में जान डाल सकते हैं। तो जितना कोशिश हो उतना स्पाइसी में बनाती हूँ, उतना टेस्टी बनाती हूँ फिलिंग को, ताकि जो पूरा ओवरऑल बन के आए वो बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ पे मेरा टेस्टी वाला फिलिंग और खूब चटपटा वाला फिलिंग रेडी है। अब बारी आती है इसको भरने की। तो भरने का टेक्निक बहुत ही आसान है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ब्रेड को पानी में सोक कर लेना है और उसको पानी निकाल देना है, निचोड़ देना है पूरा पानी, और धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको एक रोल शेप देना है, रोल करते जाना है। और मैं एकदम सा गोल नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा बीच में चपटा कर देती हूँ, ताकि कम तेल में ही ये फ्राई हो जाए। एकदम गोल गोल बनाने से बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल होता है, तो मैं तेल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, ताकि तेल जो होता है ना वो वेस्ट ना हो। तो बस इसी तरह से पहले मैंने सारे ब्रेड रोल को बांध लिया। जब पूरा हो गया तब एक एक करके मैंने छान लिया, क्योंकि ये छानने का जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा है, और एक एक करके धीरे 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 आपको हल्का हल्का फ्राई करना होता है, धीमी आंच पे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जब डालते हैं तो थोड़ा सा मैं तेज कर देती हूँ आंच को और उसके बाद धीमे कर दूँगी, ताकि एक ऊपर का लेयर जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हल्का करके धीरे धीरे पकाना है, ताकि अंदर तक पक जाए और सुनहरा रंग हो जाएगा, तब निकाल लेंगे। और ऐसे ही है, कभी कभी आपके मन में आता है ना कि मैं भी बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन करूँ, कुछ बनाऊँ, सबको खिलाऊँ। तो मेरा भी आज मन कर गया, और बीच में शौर्य का जो चलते रहता है कुछ ना कुछ, तो उसको चाहिए अभी जूस। तो बस बनाते बनाते बीच में जूस बना रही हूँ ठंडा ठंडा मटका के पानी से। और शौर्य का दिन आजकल छुट्टी चल रहा है, तो उसको इंगेज करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो कभी मैं उसको कुछ बना के देती हूँ, कभी कुछ बना के देती हूँ, तरह तरह का चीज़ बना के देती हूँ, और उसको कलरिंग भी मैं भी बैठा देती हूँ, ताकि वो बिज़ी रहे कलरिंग में। फिर ये सेकेंड रेसिपी के बारे में बात किया जाए। सेकेंड रेसिपी है जो कि है चिकन बिरयानी, चिकन दम बिरयानी। और यहाँ पे फ़िलहाल तो शौर्य को कलरिंग में बैठाई हूँ, और उसके बाद मैं लगूँगी खाना में। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्याज काट लेती हूँ। प्याज अच्छा खासा लगेगा, क्योंकि कम से कम 300 ग्राम चिकन है, और यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है। तो करके मुझे शौक लगता है कि मैं एक शेफ़ की तरह ना फटफट फटफट काटते हैं ना, बहुत मन से मुझे अच्छा लगता है चॉपिंग करना। तो मैं बहुत मन से चॉपिंग करती हूँ सब्जियों का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली अगर आपके पास अच्छा तेज़ ना चाकू है और आपको उसको चलाना अच्छे से आता है, तो बस मज़ा ही आ जाता है ये चॉपिंग का काम करने में। किस किस को चॉपिंग पसंद है और किस किस को नहीं पसंद है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो चॉपिंग पसंद है, अच्छा लगता है कि किस तरह से बारीक मैं प्याज या कोई भी सब्ज़ी काट सकूं, और मुझे बहुत एक शेफ़ टाइप फीलिंग आती है। तो यहाँ पे प्याज काट रही हूँ, उसके बाद लहसुन काटूँगी,
और लहसुन काटने के बाद जो मैंने एक गार्लिक पीलर लिया है कुछ दिन पहले, अगर आपने वो वाला शॉर्ट्स नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए वहाँ पे। ये मैंने मीशो से लिया था, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बस इसको गार्लिक प्रेस, मतलब प्रेस है, इसको प्रेस कर दीजिए इस मशीन नहीं बोलेंगे इसको, एक टूल औजार बोलेंगे, बस यहाँ पे प्रेस करने से अच्छा खासा गार्लिक जो है वो प्रेस होके छोटा छोटा हो जाता है बस। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद थोड़े मेरे हस्बैंड ने भी आके हेल्प किया था, तो एक्चुअली वो स्टार्ट किए थे वही बनाना, बट उसके थोड़ा देर बाद उनको काम आ गया ऑफिस का तो वो चले गए, तो फिर आगे का काम मैंने बढ़ाया है। इधर चिकन के लिए प्याज भुन रहा है और उधर मैं चावल बना रही हूँ। चावल के लिए मैंने सिंपल नॉर्मल वाला ही जीरा राइस लिया है, आप चाहे तो बस बासमती राइस ले सकते हैं, लंबा घना बोलते हैं ना, लंबा लॉन्ग ग्रेन्स वाला, बट मुझे वो उसमें टेस्ट नहीं लगता है इसलिए मैं यही यूज़ करूँगी। तो पानी में दालचीनी वगैरह सब डाल दिया था, उसके बाद इस तरह से उसको पानी में बॉईल करना है, पार बॉईल करना है बोलते हैं ना, आधा बॉईल करना है ताकि पूरी तरह से उसको पका नहीं देना है क्योंकि बाकी दम में भी पकेगा वो। तो बस यहाँ पे चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है और अब चलिए बारी आती है लेयरिंग की। तो मैंने यहाँ पे मोटा पतीला लिया है, नीचे रख दिया है तावा ताकि अच्छे से इसको दम मिले। और देखिए यहाँ पे चावल को मैंने सुखा दिया है, हवा में ड्राई करने से हल्का सा खिलखिला हो जाता है, खिलखिला नहीं खिला खिला हो जाता है। और इसको लेयरिंग करेंगे, चिकन चावल चिकन चावल चिकन चावल, जितना लेयर हो सके उतना करेंगे, बस उसको थोड़ा दम दे देंगे। मैंने टाइम देख के 10 मिनट दम दिया था और अच्छा खासा से पक गया था। तो इस तरह का मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा प्याज वगैरह, बहुत ज़्यादा ये सब जो बोलते हैं ना फ्राइड प्याज ये वो पुदीना वदीना ये रंग वंग सब मैं नहीं करती हूँ, मुझे बेसिक अच्छा लगता है, मैं इस तरह का ही पसंद करती हूँ और काफ़ी मुझे टेस्टी लगता है जिसमें एक्चुअल फ्लेवर्स और डेप्थ ऑफ फ्लेवर्स आता है ना, यही अच्छा लगता है। बाकी जो अलग तरीके से बनता है बहुत सारे प्रोसेस के साथ, प्याज व्याज बीच में डाल के पुदीना का पत्ता रंग डालना फ्लेवर डालना ये सब नहीं, मुझे एक्चुअल फ्लेवर्स पसंद है तो मैं इस तरह से बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दें, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा तो बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कुछ नया डालूं तो आपको भी मिलता रहे। तो बस यहाँ पे लेयरिंग कर देंगे और उसके बाद इसको थोड़ा देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, फिर आप देखिए कि कितना अच्छा इसमें एक कपड़े से मैंने इसको ढक भी दिया था ताकि इसका जो हीट है ना वो बाहर ना निकले और ये अच्छे से पक जाए अंदर से। और बस यहाँ पे अब खोल के जब देखा तो काफ़ी टेस्टी बना था, काफ़ी अच्छा बना था। और यहाँ पे मैंने खाना भी परोस लिया, साथ में बनाया था खीरा का रायता। और बस चलिए आज की छोटी सी रेसिपी व्लॉग शेयर कर दिया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चलिए गाइस बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं फिर कभी किसी दिन किसी और बात पे, बात करेंगे या बात खाना बनाएंगे या कुछ भी जो भी है वो दिखाएंगे। चलिए गाइस बाय।